नमस्ते दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस में मैं उर्मिला सालुंके आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण में से हमारा ये टॉपिक का नाम है संधि, और यह संधि यानी मतलब होता है जॉइनिंग। अभी हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। दिए गए चित्र को देखिए और उसके नीचे लिखे शब्द को हमें पढ़कर समझना है। इस चित्र के नीचे लिखा एक शब्द है, क्या लिखा है? विद्या प्लस अर्थी। शब्द क्या है? विद्या प्लस अर्थी इक्वल विद्यार्थी। मतलब क्या? विद्या और अर्थी यह दो शब्द हैं, और इन दो शब्दों को मिलाकर शब्द क्या बना है? विद्यार्थी। मतलब क्या कि विद्यार्थी दो शब्द के मेल से बना हुआ है, उसमें से एक शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है अर्थी। इन वर्णों के मेल आ प्लस अ इक्वल आ पर ध्यान दीजिए, यही संधि है। यही क्या है? संधि है। संधि का अर्थ है मेल या मिलना। संधि का अर्थ मेल या मिलना है। अब हम देखेंगे दोबारा से संधि किसे कहते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, सूर्य प्लस उदय इक्वल सूर्योदय, नर प्लस इंद्र इक्वल नरेंद्र, हिम प्लस आलय इक्वल हिमालय, सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ। यहाँ पर देखो दो शब्द हैं, एक है सूर्य दूसरा है उदय, और इनके मेल से बना हुआ शब्द है सूर्योदय। दूसरा शब्द है नर और इंद्र, ये दो शब्द हैं, इन शब्दों के मेल से नरेंद्र शब्द बना है। हिम और आलय, यह दो शब्द हैं, इनके मेल से हिमालय शब्द बना है। सत्य और अर्थ, इन दोनों के शब्दों से सत्यार्थ शब्द बना है, और ये क्या है? ये है संधि। ये क्या है? संधि। अब हम देखेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अब क्या देखेंगे? संधि विच्छेद, संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। देखो पहले में क्या करना है, हमें दो शब्दों को जोड़ना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दो शब्द जो है, एक शब्द जो है, उन शब्दों को हमें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। मेल के अपोजिट हमें यहाँ पर करना है। संधि किए हुए शब्द को अलग अलग लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सूर्योदय, जैसे क्या है? सूर्योदय, ये क्या है? एक शब्द है। अभी हमें क्या करना है, इसका विच्छेद करना है, और वो कैसे हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। महोत्सव एक शब्द है, इसका हमें क्या करना है? विच्छेद करना है। कैसे विच्छेद हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित। सुरेंद्र है, सूर प्लस इंद्र। अभी हमने इनके क्या किए हैं? संधि विच्छेद।
तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि किए हुए शब्द को अलग अलग लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं? पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। अब क्या देखेंगे हम? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार तीन होते हैं। संधि के प्रकार तीन होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम क्या करेंगे? इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। पहले हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो संधि होते हैं उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पर पहले शब्द का क का क्या बनेगा? अ। और आ शब्द से आलय से आ, अ प्लस आ, और ये शब्द क्या बन गया? पुस्तकालय। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। एक है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि और तीसरी है वृद्धि संधि। पहली कौन सी है? दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी है अयाधि संधि। ये क्या है? यह है स्वर संधि के पांच प्रकार। अभी देखेंगे हम पहले दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस आ, दोनों मिलते अ प्लस अ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। और अ प्लस आ मिलते हैं तब भी क्या बन जाता है? आ ही बन जाता है। यहाँ पर क्या है? ह्रस्व ह्रस्व मिलते हैं तो भी दीर्घ होता है, ह्रस्व और दीर्घ मिलते हैं तो भी क्या होता है? दीर्घ ही होता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। मत प्लस अनुसार मतानुसार, पर प्लस अधीन पराधीन, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, सिंह प्लस आसन सिंहासन, भोजन प्लस आलय भोजनालय, हिमा प्लस आलय हिमालय। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि दो दीर्घ जब आते हैं, दो दीर्घ जब आते हैं तो भी क्या होता है? दीर्घ होता है। एक ह्रस्व और एक दीर्घ आता है तो भी दीर्घ हो जाता है। आ प्लस अ आ, आ प्लस आ आ। यहाँ पर एग्जाम्पल से विद्या प्लस अर्थी इक्वल विद्यार्थी, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, सीमा प्लस अंकन सीमांकन, महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, दया प्लस आनंद दयानंद, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। अब यहाँ पर ई ई दोनों क्या हैं? ह्रस्व हैं। दूसरा ई एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, लेकिन दोनों बनते हैं दीर्घ ही। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, कवि प्लस इच्छा कविच्छा, गिरि प्लस ईश गिरीश, प्रतीक प्लस इच्छा प्रतीक्षा। अब दो दीर्घ ही बनते हैं, ई ई से ई ई ही बन जाता है। मही प्लस इंद्र महेंद्र, शचि प्लस इंद्र शचीन्द्र, रजनी प्लस ईश रजनीश, नारी प्लस ईश
नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, एक ह्रस्व एक दीर्घ, फिर भी क्या बनते हैं, दीर्घ ही बनता है। पहले इसमें देखो उ क्या बन जाता है, दीर्घ उ बन जाता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ दीर्घ बन जाता है। अभी उ का हमने देखा है भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा। उ ह्रस्व दीर्घ उ ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रस्व उ दोनों दीर्घ उ ही बन जाते हैं। वधु प्लस उत्स वधुत्स, भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। अब हम देखेंगे गुण संधि। अब हम क्या देखेंगे, गुण संधि अ आ के साथ ई ई के मेल से ए, ऊ ऊ के मेल से ओ तथा रू के मेल से अर हो जाता है। अ प्लस ई ए, अ प्लस ई दीर्घ ई ए, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, गण प्लस ईश गणेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। आ प्लस ई ए बन जाता है महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। आ प्लस दीर्घ ई ए बन जाता है लंका प्लस ईश लंकेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। अब हम देखेंगे अ और उ से क्या बन जाता है, अ उ से ओ बन जाता है, धर्म प्लस उदय धर्मोदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा। आ उ से क्या बन जाता है, आ बन जाता है और आ उ से ओ बन जाता है, महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ प्लस ऊ से क्या बन जाता है, ओ बन जाता है और दूसरा है आ प्लस ऊ से भी ओ ही बन जाता है, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस उर्मी महोर्मी, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। अ प्लस रू से अर बन जाता है और आ प्लस रू से अर बन जाता है, देव प्लस ऋषि देवर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि। अब क्या देखेंगे हम, वृद्धि संधि। यदि अ स्लैश आ के बाद ए स्लैश ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, जैसे एक प्लस एक एक एक, हित प्लस ऐशी हितैषी, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव। अ प्लस ऐ ऐ बन जाता है, आ प्लस ऐ ऐ बन जाता है, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ स्लैश आ का औ होना है, अ प्लस औ औ, आ प्लस औ औ, परम प्लस औषध परम औषध, वन प्लस औषध वन औषध, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औदार्य महौदार्य। अभी हम देखेंगे यन संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ रु के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का य ऊ का व और रू का र हो जाता है, जैसे अति प्लस अधिक अत्याधिक, यदि प्लस अपि यद्यपि, अति प्लस आचार अत्याचार, इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागतम, अनु प्लस अय अन्वय, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, पितृपस अनुवति पितृनुवति, पितृपस अर्पण पितृर्पण, पितृ प्लस आदेश पितरादेश, मातृ प्लस आदेश मातरादेश।
अब देखेंगे हम अयादि संधि। अब क्या देखेंगे हम अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद इनमें भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अयु, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आउ बन जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, गई प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पावन, नौ प्लस इक नाविक, भौ प्लस उक भावुक। अभी व्यंजन संधि के ये संधि का नियम न बताकर कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं व्यंजन संधि। सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस ईश जगदीश, उत प्लस लास उल्लास, सत प्लस गति सद्गति, वाक प्लस ईश वागीश, षट प्लस आनन षडानन, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, दिक प्लस गज दिग्गज, सम प्लस भव संभव, दिक प्लस अंबर दिगंबर, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, तत प्लस लीन तल्लीन, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस आचार सदाचार, सत प्लस चरित्र सच्चित्र सच्चरित्र, सम प्लस सार संसार। विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। नीह प्लस धन निर्धन, नीह प्लस चल निश्चल, नीह प्लस तेज निस्तेज, नीह प्लस संदेह निसंदेह, मनः प्लस रथ मनोरथ, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग, नीह प्लस कपट निष्कपट, दुह प्लस शासन दुशासन, नीह प्लस जन निर्जन, नीह प्लस पाप निष्पाप। अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द को तोड़ने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कारण दो भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक नया शब्द बन जाता है। स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो